तन मन धन सेवा में कैसे लगाना, इसके प्रति कोई विचार है तो भाई इधर पूछो। माता जी बताती है, माता जी बताओ, नहीं तो अभी भाई जी आपको योग कराएगा, कमेंट सुनाएगा। ठीक है माता जी, बताओ कोई प्रश्न है, किसी के पास हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तन मन धन निरोगी होना चाहिए, इसके ऊपर कोई प्रश्न है तो बताओ। भाई साहब एक प्रश्न था। हाँ बताओ। माता जी माता है, ज्ञान में चलते हैं, उनके पति नहीं चलते हैं, तो वो सेवा करना चाहते हैं, अब पति तो पैसा तो देते नहीं है, तो वो पैसा कोई और लगाने के लिए दे देते हैं और माता के काम में लगा देते हैं, तो क्या करना? तो ये भी ठीक नहीं ना। हाँ, अगर पति ने उनको 100 रुपया दिया माता जी को, माता जी सब्जी के लिए खर्चा करो, अभी माता जी कहते हैं इस मार्केट में जाओ 1 किलो 100 रुपया में मिलता है, अगर 1-2 किलोमीटर चल के दूर जाओ वहां 90 रुपये में 100 किलो मिलता है, 1 किलो मिलता है, तो माता जी क्या करती है, उधर से 10 रुपया बचेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, 1-2 किलोमीटर चल के जाती है और वहां से 1 किलो सब्जी लेती है 90 रुपये में, 100 रुपये बच गया, 100 रुपया बाबा के भंडारे में डाल दिया। समझ में आया? ये कर सकते हैं। अगर 100 रुपया दिया पति को बताएंगे 90-80 रुपये गलत झूठ बोलेंगे नहीं, है ना, जितना उतने मेहनत करके किया, नहीं तो यहाँ 100 रुपये में मिलता है, पति को पता है यहाँ 100 रुपये तभी देता है वो, इस मार्केट में माता जी मेहनत करके चल के पसीना करके उधर जाती है, वहां से होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट, पति रोज सब्जी लेता है इस दुकान से, 100 रुपया ले आता है, 100 रुपया दिया माता जी आप लेके आओ। अब माता जी ने सोचा यहां से नहीं मैं वहां चल के जाऊंगी, मेहनत करके चल के जाती है और 100 रुपया, और रिक्शा पर जाई गई तो कहता मैं रिक्शा पर नहीं जाऊंगी चल के जाऊंगी, और 100 रुपया बचाएंगी तो वो बाबा की सेवा में लगना चाहिए। ठीक है, और बताओ आपका। मेरा भाई पति माता जी को कहते 2 साड़ी लाना है साल में, माता जी कहते 1 साड़ी बस, पैसे लिया 1 साड़ी अपने लिए, 1 साड़ी के पैसे भगवान की सेवा में लगाओ, आपके खर्चे से बचत करो, आपको जो खर्चा करना उससे बचत करो। ठीक है, ऐसा हाँ, ये भी बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा पहली दफा। अभी पति या भाई, भाई कहता है, पति नहीं, सेंटर का एक भाई कहता है माता जी आपके पास धन है, आप ऐसे ऐसे खर्चा करते हो तो थोड़ा थोड़ा भगवान के सेवा में लगाओ। उनको पता ही नहीं था, तो किसने सिखाया, किसने विधि बताई? हाँ, उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा और उनका भी भाग्य बनाएगा। ये बाबा ने मुरली में मम्मा का एग्जाम्पल दिया, मम्मा ने कुछ नहीं लाया था साधारण, लेकिन लक्ष्मी कैसे बनी? मम्मा ने कितने लोगों को कहा तुम धन ऐसे सेवा में लगाओ, सेंटर खोलो, ये करो, तो धन इंटरेस्ट, 1-1% इंटरेस्ट मिला, 1-1% इंटरेस्ट कहते लक्ष्मी बनी। आपने नहीं डाला, आप औरों को प्रेरणा दे दो। आपको पता है माता जी के पास पैसे, इनको पता ही नहीं है कि भंडारे में सेवा करना जब कर सकते हैं, तो माता जी आप पैसे इतना खर्चा करते हो, रिक्शा पर इधर से आते हो इधर जाते हो, क्यों करते हो? बचा करके आए हुए भविष्य के लिए जमा करो, भगवान के भंडारे में छोड़ा दो, तब उनको बताने वाले माता जी, तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा ना 1%। अच्छा रास्ता दिखाया, पंडा अच्छा है, पंडे को दक्षिणा मिलेगी ना, ऐसा जमा आप भी करो औरों से भी कराओ, समझा, आप भी करो लेकिन आपके पास के औरों से भी, औरों को भी मार्गदर्शन दे दो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या करना। जैसे आपने कहा, एक भाई ने मुझे पूछा, आपको बताओ अभी 6 महीने पहले सूरत में माता जी 26 साल से ज्ञान में चलती है, पति बहुत बड़ा करोड़पति, बहुत बड़ा बिजनेस करता, लेकिन अभी फ्रैक्चर हो गया, गिर के पाँव टूट गया, माता जी कहने लगे 2 मिनट हमारे घर में चलो, मुझे इच्छा थी पति को आपसे मिला, लेकिन वो नहीं आ सकते, आप 2 मिनट चलो। बहन जी ने भी कहा सेंटर की, बहन जी माता जी 25 साल से चलती है, पति बिल्कुल नहीं सुनता, बहुत बड़ा बिजनेस वाला है। तो गया, हमने कहा चलो, जाते समय गए, मिले, उन्होंने जगदीश भाई का किताब भी सब रखा है लेकिन कुछ सुनता नहीं है, तो मिले, तो मिलने के बाद बात करते करते हमने सुना कि आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। हाँ, मेरा एक विचार है कि ना, अभी तो मैं जी नहीं सकता, अभी तो खत्म मेरा जीवन, अभी चल ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन मेरा एक विचार है, मेरे पास जितनी संपत्ति है उसका मैं ट्रस्ट बनाना चाहता हूँ,
और स्कूल खोलूंगा, ट्रस्ट बनाऊंगा। हमने कहा भाई जी आपने ट्रस्ट बनाया, जो चार लोग काम करेंगे वो कोई ईमानदार होंगे कलयुग में, वही थोड़ा खा के भी जाएंगे, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा आप एक वृद्धाश्रम खोलो, जो बुजुर्ग गरीब है वो मकान में रहेंगे, उनको खाना पीना सब कुछ मिलेगा, और साथ में सेंटर की बहन जाके उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी देंगे, क्योंकि वृद्ध होने के बाद घर सेंटर वृद्धाश्रम में खाली है, उनको ज्ञान भी चाहिए। आत्मा की भी उन्नति करो, शरीर की भी करो, दोनों करो, ये दोनों भाग्य जमा होगा। नहीं तो आपने ट्रस्ट खोला, स्कूल खोला, हॉस्पिटल खोला, शरीर को ठीक किया, आत्मा के लिए हाँ, एक का एक जन अविनाशी जमा नहीं हुआ। तो आप वृद्धाश्रम खोलो, जरूर लोगों को सुख दे दो शरीर को, लेकिन आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान भी वहां जाके सेंटर के बहन, मैंने देखा टाटा नगर में, वहां देखा था कि वहां एक भाई हर वृद्धाश्रम में जो ये है कौन मदर टेरेसा, उनके पास, बच्चों के पास, सब जगह जाता है, कहते मैं सबको सही बता, सेंटर में भी नंबर वन 5 मंजिल का बहुत बड़ा सेंटर बनाया, मदद किया, तो उनको भी सेवा करता है। फिर उसने स्वयं ने वृद्धाश्रम खोला, 20-25 माताएं भाई है, उनको जाके शाम को मुरली सुनाते हैं, उनको सब रहने की व्यवस्था, खाना सब किया। तब कहा आपके पास अगर पैसे है, ऐसे ट्रस्ट बना के खा के पी के चले जाएंगे कोई, तो आप वृद्धाश्रम करो। बहुत गरीब माँ बाप बुजुर्ग है, उनको तन की भी ठीक और आत्मा को भी, दोनों करो। किसी को राय भी देना चाहिए ना, पता होना चाहिए, उनको पता ही नहीं था, और माता जी चलती है उनका सुनता नहीं था, कहने लगा आते आते आपने मुझे एक बहुत अच्छी राय बताई है ना। तो किसी किसी को सही रास्ता बताओ, पता नहीं धन है क्या करे, जमीन है क्या करे, समय है माता जी के पास, सारा दिन समय है, क्या करते हो, घर में टीवी देखते रहे, इधर उधर बात करते रहे, समय चला गया। तो माता जी को, माता जी सारा दिन 24 घंटा आप अकेले हो, क्या करते हो, 2 घंटा आके सेंटर में अनाज साफ करो, सफाई करो, भगवान की सेवा में लगाओ, तो पता ही नहीं अकेले माता जी है, कोई राय देना पड़ता ना। तो एक दूसरों को भी सही रास्ता दिखाओ, ठीक है। ओम शांति।